एक ज्योति मोरिया एसडीएम पद को बदनाम कर दी, दूसरी ज्योति ने दरोगा पद को बदनाम कर दी। एक तरफ सीमा हैदर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने पाकिस्तान से भागकर इंडिया आ गई, तो दूसरी तरफ अंजू नाम की ये महिला जो कि इंडिया छोड़कर पाकिस्तान भाग गई, वो भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों, किस तरह से ज्योति मोरिया की तरह एक और ज्योति जो कि अपने पति के साथ बेवफाई कर दी। और आपको बता दूं दोस्तों, ये ज्योति भी कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि आज के समय में ये दरोगा पद पर काम करती है। लेकिन फिर भी दोस्तों, किस तरह से इसका चक्कर दूसरे दरोगा के साथ चलता था, आखिरकार इसका भी राज खुल ही गया। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों, एक एक करके तमाम काले कारनामों का खुलासा करेंगे, वीडियो को पूरा देखना। लेकिन सबसे पहले आप सभी भाइयों को, सभी दोस्तों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों और सभी बहनों को सरकार भाई का दिल से सलाम। चलो दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी सच का पर्दाफाश करते हैं और आपको हम बताते हैं सबसे पहले इस महिला के कुकृत्य के बारे में। आपको पता ही होगा दोस्तों, ज्योति मोरिया जो कि मनीष दुबे के साथ फंसी हुई थी, इसका चक्कर चलता था, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन ये बिल्कुल नया है, इसके बारे में आप लोगों को पता नहीं होगा। और यदि आप लोग जानोगे ना दोस्तों, तो आप लोग थू-थू करोगे। तो चलो आपको हम बताते हैं कहानी क्या है। कहानी यह है दोस्तों कि साल 2009 की बात है, जब इन दोनों की लव मैरिज होती है। इनके पति का नाम प्रियरंजन है और इस लड़की का नाम जो कि खुद ज्योति है। बताया जाता है ज्योति और प्रियरंजन दोनों साल 2009 में लव मैरिज करने के बाद बहुत ज्यादा खुश थे। ये अपने पति से कहती है, मैं एक अधिकारी बनना चाहती हूँ। इसके पति कहते हैं, ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हें पढ़ाऊंगा। आपको बता दूं दोस्तों, साल 2009 की बात है, जब बताया जाता है ये लोग दिल्ली में शिफ्ट हो जाते हैं। दिल्ली में इसके बारे में बताया जाता है, ये एक प्राइवेट बैंक में काम करने लग जाती है। वहीं अगर इनके बारे में बात करा जाए, तो इनके बारे में कहा जाता है ये एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करने लग जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये बात है साल 2012 की, जब इनके पति ने आखिरकार फैसला करा कि अपनी पत्नी को पढ़ाकर कोई अच्छा सा नौकरी दिलवाएंगे। और आपको बता दूं, साल 2012 के बाद ये बीपीएससी का तैयारी करना शुरू कर देती है। साल 2012 से लेकर 2015 तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। लेकिन उसके बाद दोस्तों, बताया जाता है इन दोनों के बीच एंट्री होता है एक व्यक्ति का, जिसका नाम होता है सोमेश्वर नाथ झा। बताया जाता है सोमेश्वर नाथ से ज्योति का दोस्ती हो जाता है। अब दोस्तों, दोस्ती जब होता है इन दोनों का, तो इसके पति को उतना ज्यादा मन में नहीं आता है। इसके पति को तो ये लगता है कि हम दोनों ने तो लव मैरिज कर रखा है, तो हम दोनों के बीच आखिरकार आ ही कौन सकता है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, जिस वक्त ये तैयारी कर रही होती है, उसी वक्त सोमेश्वर नाथ झा के साथ ये चक्कर चलाना शुरू कर देती है। लेकिन ये अपने पति से छिपाती रहती है, इसका पति भी उतना ज्यादा नहीं सोचता है। यहाँ तक कि दोस्तों, सोमेश्वर नाथ झा जो कि प्रियरंजन से भी फोन पर बातचीत करता है। ये बात है साल 2018 और 19 के बीच की, जब बताया जाता है ज्योति दरोगा का एग्जाम दे रही होती है। उसी दौरान दोस्तों, उसका दोस्त जो होता है सोमेश्वर नाथ झा, वो ज्योति के पति प्रियरंजन से कहते हैं कि मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। आपको बता दूं, सेंटर मैनेज करने के लिए ज्योति के लिए, साथ ही साथ इसके दोस्त सोमेश्वर नाथ झा के लिए, इनके पति प्रियरंजन जो कि जमीन बेच देते हैं और 20 लाख में जमीन बिकता है, जिसमें 10 लाख रुपया ये ज्योति के लिए खर्च करते हैं और 10 लाख रुपया उसके दोस्त सोमेश्वर नाथ झा को उधार देते हैं। और आपको बता दूं, साल 2019 की बात है, जब ज्योति और इसका बॉयफ्रेंड दोनों जो कि दरोगा बन जाता है। ये देख सकते हो दोस्तों, ज्योति जो कि दरोगा का ड्रेस भी पहन रखी है, पुलिस का वर्दी पहनने के बाद इसके अंदर एक अलग तरह का ही गर्मी आ जाता है। बताया जाता है साल 2019 के बाद ज्योति का रवैया पूरी तरह से बदल जाता है। ये अपने पति से भी अच्छे से बात करना बंद कर देती है। अब इसका पति सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार ज्योति को ऐसा क्या हो गया कि वो मेरे से सही से बात भी नहीं करना चाहती है। एक दिन की बात है दोस्तों, जब उसका पति उसके मोबाइल को जब चेक करता है, तो उस मोबाइल के अंदर दोस्तों ऐसा गंदा गंदा फोटो निकलता है ना, जिस फोटोज को देखकर उसके पति का तो होश ही उड़ जाता है। ये तो एक पल के लिए विश्वास ही नहीं कर पाते हैं। आप सोच सकते हो दोस्तों, जिस सोमेश्वर नाथ को प्रियरंजन ने मदद किया था, जिस सोमेश्वर नाथ और ज्योति के लिए प्रियरंजन ने अपना जमीन तक बेच दिया, उसी सोमेश्वर नाथ ने प्रियरंजन के साथ गद्दारी कर दिया। ये बताया जाता है दोस्तों, वो जो सोमेश्वर नाथ जो कि इसके साथ पढ़ता था, जो इसका दोस्त था, उसी के साथ ये चक्कर चलाती थी, क्योंकि वो भी दरोगा बन गया था। आपको बता दूं, साल 2019 के बाद दोस्तों, वो दोनों जो कि ड्यूटी के बाद अलग अलग जगहों पर जाकर आपस में एक दूसरे से मिला जुला करता था। आपको बता दूं दोस्तों, इस बात का खुलासा तो तब हुआ जब इसके 10 साल के बेटे रेयांश ने अपना मुंह खोला। आपको बता दूं, ज्योति के पति प्रियरंजन जो कि बाहर में आज के समय में कमाते हैं, लेकिन इसका जो बेटा है वो इसी के साथ रहता था। इसका 10 साल का बेटा रेयांश बताता है कि ये जो कि सोमेश्वर नाथ से मिलने के लिए उसके घर पर चली जाती थी। आपको बता दूं, इसका 10 साल का बेटा रेयांश बताता है कि जब भी माँ सोमेश्वर नाथ के घर जाती, तो मुझे भी लेकर जाती थी। और होता ये था कि रात को माँ और सोमेश्वर नाथ एक साथ सो जाते थे,
और मुझे दूसरे कमरे में सुला देते थे। तो आप खुद ही सोच सकते हो दोस्तों, ये महिला जब उस सोमेश्वर नाथ झा के घर पर जाती होगी और अपने बेटे को दूसरे रूम में सुलाती होगी और खुद सोमेश्वर नाथ झा के साथ सो जाती होगी, तो फिर रूम के अंदर क्या क्या करती होगी, आप खुद ही दिमाग लगा सकते हो। आप सोच सकते हो दोस्तों ये महिला कितना ज्यादा दुष्ट है। आप सोच सकते हो दोस्तों, जिस पति ने इतना शिद्दत से पढ़ाया, अपना जमीन तक बेच दिया, उस पति के साथ भी इसने गद्दारी कर दी। और केवल इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि बताया जाता है जब भी इसका पति इससे कहता कि मैंने तो तुम्हारे दोस्त को 10 लाख रुपया भी दिया था, तो आपको बता दूं ये महिला अपने ही पति को धमकाना शुरू कर देती। ये कहती कि उस 10 लाख का चर्चा भी मत करना। आप सोच सकते हो दोस्तों, जिस पति ने इतना शिद्दत से इसको पढ़ाया, इसके दोस्त के ऊपर भी एहसान किया, लेकिन उसका क्या सिला मिला, उसका क्या परिणाम मिला। आप सोच सकते हो दोस्तों इस पति के ऊपर क्या बीत रहा होगा। हालांकि आपको बता दूं, प्रिय रंजन का ये कहना है कि उसकी पत्नी ने जो की है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं की है। फिलहाल आज के मौजूदा वक्त में बताया जाता है दोस्तों, ज्योति जो कि कटिहार में ड्यूटी करती है, और आपको बता दूं पूरे बिहार को इसने बदनाम कर दी। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं, ज्योति मौर्या जिसने पूरा उत्तर प्रदेश को बदनाम कर दी। और ज्योति मौर्या का चर्चा दोस्तों सोशल मीडिया पर जितना चला, मुझे नहीं लगता है कि उतना चर्चा किसी का भी चला होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस तरह के महिलाओं का खबर इसलिए मैं आप लोगों को सुनाता हूँ ताकि आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो कि शादीशुदा होंगे, ताकि आप लोग सतर्क और सावधान हो जाएं। हालांकि यहाँ पर मैं गलती देना चाहूंगा ज्योति के पति प्रिय रंजन का भी। आप सोच सकते हो दोस्तों, जब ज्योति ने उस लड़के से दोस्ती करी, उसके पति को भी पता था, यानी कि प्रिय रंजन को भी पता था कि ये दूसरे लड़के से दोस्ती कर ली है, तो इनको साफ साफ इनकार कर देना चाहिए था, सीधा मना करना चाहिए था अपनी पत्नी से कि देखो तुम किसी भी लड़के से दोस्ती मत करो। लेकिन इन्होंने विश्वास करा, इन्होंने मना नहीं करा, लेकिन उस विश्वास का क्या परिणाम मिला दोस्तों। वैसे मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई भी महिला यदि शादीशुदा है तो उसको ये इजाजत नहीं मिलना चाहिए कि वो किसी दूसरे लड़के से दोस्ती करे। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, आज के समय में अक्सर जो ऐसी महिलाएं हैं जो कि जब नौकरी करती है, जब उसके शरीर पर खाकी वर्दी चढ़ता है, उसके बाद तो अलग ही तरह का गर्मी आ जाता है। इसको भी गर्मी आ गया अपने अंदर, इसको भी लगा कि हम तो भाई दरोगा हैं, हम तो दरोगा पद पर हैं, हमारा कोई क्या ही उखाड़ लेगा। और आपको बता दूं, प्रिय रंजन जिसके बारे में बताया जाता है, वो जो कि आज के समय में रियल एस्टेट कंपनी में काम करते हैं, तो इसकी दरोगा पत्नी को ये लगता है कि मेरा पति जो कि कुछ नहीं उखाड़ सकता। लेकिन अब दोस्तों ये खबर जो कि सोशल मीडिया पर चारों तरफ वायरल हो चुका है, और आपको बता दूं बहुत जल्द इस दरोगा साहिबा को भी जेल जाना पड़ेगा। बाकी इसका जो आशिक है, जिसका नाम है सोमेश्वर नाथ झा, उसका भी अब हालत खराब होने वाला है, पतलून गीला होने वाला है, क्योंकि चारों तरफ से लोग सोशल मीडिया पर इन लोगों को ट्रोल कर रहे हैं और चारों तरफ से लोग इन लोगों को गालियां दे रहे हैं। हालांकि दोस्तों मैं भी कहना चाहूंगा, इस तरह की घटिया महिलाओं के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होना चाहिए। इसने जो अपने पति के साथ की है, बिल्कुल भी ये माफी वाला काम नहीं की है, और इसको माफी तो मिलना ही नहीं चाहिए। अब चर्चा करते हैं दोस्तों ज्योति मौर्या और आलोक मौर्या और मनीष दुबे के बारे में। तो चर्चा क्या ही करना, आपको बता दूं ज्योति मौर्या जो कि अब तक सस्पेंड नहीं हुई है, ज्योति मौर्या के बारे में बताया जाता है अभी भी वो अपने पद पर बची हुई है, ये बताया जा रहा है, अभी भी वो SDM पद पर है। और आपको बता दूं, ज्योति मौर्या को जिस तरह से अब तक जेल नहीं भेजा गया है दोस्तों, अभी भी लोगों के मन में कई तरह का सवाल है। बहुत सारे भाइयों का कहना है जिस तरह से आलोक मौर्या को अब तक इंसाफ नहीं मिला, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको पता होगा दोस्तों, आलोक मौर्या ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्या को काफी शिद्दत से पढ़ाया था, यहाँ तक कि दोस्तों लोगों से इनको उधार भी लेना पड़ा था, उधार लेकर इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया। लेकिन जब ये पत्नी SDM बन गई तो मनीष दुबे के साथ चक्कर चलाने लग गई। उसी तरह से आपको मैंने बताया किस तरह से दोस्तों प्रिय रंजन जिसने अपनी पत्नी को इतना शिद्दत से पढ़ाया, यहाँ तक कि नौकरी दिलवाने के लिए अपना जमीन तक बेच दिया, लेकिन दोस्तों जमीन बेचने के बावजूद भी क्या मिला, परिणाम में क्या मिला, केवल और केवल धोखा और बेवफाई। तो आपको बता दूं दोस्तों, कहीं ना कहीं इन लोगों का चर्चा जहां भी हो रहा है, चारों तरफ से लोग ज्योति का विरोध कर रहे हैं। और एक तरफ दोस्तों ये ज्योति मौर्या और दूसरे तरफ ये ज्योति, ये दोनों ज्योति कहीं ना कहीं ज्योति नाम को भी बदनाम कर दी। अब मुझे लगता है दोस्तों, यदि कोई भी ज्योति का नाम लेता होगा तो लोगों के मन में ऐसे ही लोगों का नाम आ जाता होगा, चेहरा आ जाता होगा। और आपको बता दूं, इन लोगों का नाम ज्योति नहीं होना चाहिए, इन लोगों का नाम होना चाहिए दोस्तों हबसी। ये लोग जो अपने पति के रहने के बावजूद भी दूसरे के साथ चक्कर चलाए, ऐसे दुष्ट महिलाओं के बारे में क्या ही कहना दोस्तों। ये लोग कहीं ना कहीं हमारे भारत देश का भी नाम बदनाम करती है। और मैं तो सीधा कहूंगा दोस्तों, ऐसे हरामी महिलाओं को सीधा पद से हटा दिया जाना चाहिए। ये लोग कहीं ना कहीं एक तरफ ये दरोगा पद को बदनाम कर रही है, तो दूसरे तरफ इसने SDM पद को बदनाम कर दी। तो ऐसे महिलाओं के साथ क्या होना चाहिए, आप लोग खुद ही कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। बाकी इस तरह की मासूम पतियों को इंसाफ मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, वो भी आप लोग कमेंट में लिख के बताना। अब दोस्तों चर्चा करते हैं यहाँ पर अंजू के बारे में।
अभी आप लोग यदि दोस्तों सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे तो आप लोगों को पता होगा एक खबर तेजी से वायरल हो रहा है। इस महिला के बारे में बताया जाता है दोस्तों, इसका उम्र आज के समय में 35 साल है। आप सोच सकते हो दोस्तों, इस 35 साल के महिला के अंदर ऐसा कौन सा गर्मी आ गया कि ये इंडिया छोड़कर पाकिस्तान भाग गई। और बताया जाता है जिससे इसको प्यार है उसका नाम है नसरुल्ला। आपको बता दूं, ये महिला जो कि एक मुसलमान से मिलने के लिए भारत छोड़कर पाकिस्तान भाग गई। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके छोटे छोटे मासूम बच्चे भी हैं। इस महिला को जरा सा भी शर्म नहीं आया दोस्तों। और बताया जाता है अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर इंडिया से भागकर पाकिस्तान चली गई। हालांकि ये बताया जाता है दोस्तों, जिस मर्द के साथ इसको प्यार हुआ था उस मर्द का नाम तो नसरुल्ला है ही, लेकिन फेसबुक के माध्यम से इसको नसरुल्ला से प्यार हुआ था और इस कदर ये प्यार में पगला गई दोस्तों कि इसको इंडिया छोड़कर पाकिस्तान भागना पड़ा। अब पता नहीं दोस्तों आज के समय में ऐसा कौन सा ट्रेंड चल गया है कि पाकिस्तान से भागकर कोई इंडिया आ जाती है और कोई इंडिया छोड़कर पाकिस्तान भाग जाती है। आप लोगों को अभी पिछले कुछ दिनों पहले की बात याद होगी दोस्तों, एक सीमा हैदर जो कि सोशल मीडिया पर कुछ ज़्यादा ही चर्चा इसका चला। आप लोगों को पता होगा पाकिस्तानी सीमा हैदर को लेकर कितना ज़्यादा चर्चा चला था। आपको बता दूँ, सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान से भागकर इंडिया, वो भी इस लड़के से मिलने के लिए पहुंच गई थी। इसका नाम है दोस्तों सचिन। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस सचिन का उम्र बताया जाता है आज के समय में 22 से 23 साल के बीच होगा। मुझे लगता है दोस्तों मैक्सिमम इसका उम्र जो कि 22 साल होगा। और सीमा हैदर जो कि खुद के बारे में बताती है, इसका उम्र जो कि 27 साल है। लेकिन देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सीमा हैदर का उम्र केवल 27 साल ही होगा। मुझे तो लगता है दोस्तों इसका उम्र तकरीबन 30-35 साल से कम नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको बता दूं, इस तरह के महिलाओं को प्यार का बुखार चढ़ जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसका उम्र जो कि 35 साल और जिस मुसलमान भाई से ये मिलने के लिए पहुंची है, जिस पाकिस्तानी भाईजान से मिलने के लिए ये पहुंची है, उसका उम्र बताया जाता है 29 साल है। बाकी यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इनके पति को, इनका जो भारतीय पति है उनका नाम बताया जाता है अरविंद है। और आपको बता दूं, अरविंद जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर इस महिला को अपने बच्चों से प्यार होता तो क्या अपने बच्चों को छोड़कर ये पाकिस्तान भागती? क्या अपने पति को छोड़कर दूसरे मर्द के पास जाती? तो कहीं ना कहीं दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की महिलाएँ जो है वो कहीं ना कहीं अपने देश को भी बदनाम करती है, अपने मुल्क को भी बदनाम करती है, अपने परिवार को भी बदनाम करती है, अपने समाज को भी बदनाम करती है। बाकी दोस्तों इसके बारे में बताया जाता है ये पासपोर्ट और वीजा के साथ पाकिस्तान पहुंची है। वहीं अगर बात करा जाए सीमा हैदर का, तो सीमा हैदर के पास दोस्तों कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था, बिना डॉक्यूमेंट का ही वो इंडिया पहुंच गई, वो भी इलीगल तरीके से। लेकिन इसके बारे में बताया जाता है दोस्तों, ये लीगली पाकिस्तान गई है, इसके पास सारा का सारा डॉक्यूमेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने लायक बात यह है दोस्तों कि इसको अपने पति में ऐसा कौन सा कमी आ गया, जब ऑलरेडी दो दो बच्चे हैं। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये कितना छोटा सा बच्चा है। इस महिला को जरा सा तो दया आना चाहिए ना, लेकिन दया नहीं आया। तो फिलहाल बताया जाता है दोस्तों अंजू के बारे में, वो 30 दिनों के लिए पाकिस्तान गई है और इन 30 दिनों के अंदर पाकिस्तानी जो इसका जो आशिक है, उस आशिक के साथ मौज मस्ती करेगी, अय्याशी करेगी, रंगरेलियाँ मनाएगी। और रंगरेलियाँ मनाने के बाद जब ये इंडिया आएगी तो क्या इंडिया वाले इसको फूल का माला पहनाएंगे? बताया जाता है दोस्तों, जब ये इंडिया से भागकर पाकिस्तान गई है तो पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं इसका बहुत ज़्यादा स्वागत कर रहे हैं। बड़े धूमधाम से लोगों ने इसका स्वागत करा है। लोगों का कहना है, अच्छा है, चलो एक पाकिस्तानी भागकर इंडिया गई तो एक इंडिया से भागकर पाकिस्तान आ गई। एक तरफ दोस्तों सीमा हैदर को लोगों ने नेशनल भाभी बना दिया था। आपको बता दूं, नेशनल भाभी का इसको दर्जा दे दिया गया था। सीमा हैदर को बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि चलो अच्छा है, कम से कम एक पाकिस्तानी बेगम तो आ गई। लेकिन अब आप लोग खुद ही सोचो दोस्तों, एक तरह से जिस तरह से एक हिंदुस्तानी लड़की जो कि हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान भाग गई, अब तो वहाँ के भी लोग कहते होंगे कि एक हिंदुस्तानी बेगम आ गई, कितनी शर्म की बात है दोस्तों। तो फिलहाल आपको बता दूं, अंजू के बारे में बताया जा रहा है, इसके पति जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। आपको बता दूं, अंजू के पति अरविंद का कहना है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि मेरी पत्नी भी ऐसा हरकत कर सकती है। अंजू के पति अरविंद का ये भी कहना है कि मुझे तो सबसे ज़्यादा चिंता अपने बच्चों की है। आप सोच सकते हो दोस्तों, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चों को छोड़कर ये भाग गई। हालांकि अगर बात करा जाए सीमा हैदर का, तो आपको बता दूं, सीमा हैदर भले ही पाकिस्तान से अपने पति को छोड़कर इंडिया आई, लेकिन अपने चारों बच्चों को साथ लेकर आई। लेकिन वहीं अगर बात करा जाए दोस्तों अंजू का, तो ये अपने बच्चों को छोड़कर भी भाग गई। कितना ज़्यादा ये दुष्ट महिला है दोस्तों। हालांकि इनके पति का ये भी कहना है कि मुझे तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी पत्नी ऐसी हरकत कर देगी, इतना घिनौना हरकत कर देगी। फिलहाल आपको बता दूं, अंजू के पति जो कि बहुत ज़्यादा परेशान
रहा है। उसके अलावा दोस्तों अंजू के बारे में और भी छानबीन करा जा रहा है और ये पता करा जा रहा है दोस्तों कि अंजू जो कि किस तरह से इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चली गई। बाकी और भी देखते हैं दोस्तों क्या क्या खबर निकल कर सामने आती है। लेकिन अब तक दोस्तों मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि ज्योति मौर्या और मनीष दुबे का चक्कर जो कि अब कहां तक आगे बढ़ा है। तो फिलहाल आपको बता दूं ज्योति मौर्या और मनीष दुबे आपस में नहीं मिल पा रहे हैं, दोनों के अंदर एक तरह का छटपटाहट तो होगा। अब जो आपस में एक दूसरे के साथ मौज मस्ती कर चुका है, अय्याशी कर चुका है, रंगरेलियां मना चुका है, वो तो फिर एक दूसरे से मिलने को बेताब तो होगा ही। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों ये लोग केवल आज के समय में बेताब ही रहकर रह जाएंगे। इन लोगों को आपस में एक दूसरे से मिलने का मौका तो अब मुझे नहीं लगता है कि मिलेगा। हो सकता है कि आगे मिल भी जाए, लेकिन आपको बता दूं आज के समय में मनीष दुबे जो कि अपने घर में दुबका हुआ है, वहीं अगर बात करा जाए ज्योति मौर्या का तो ज्योति मौर्या का भी हालत खराब है। बाकी ज्योति मौर्या अब तक जेल नहीं गई है, ये लोगों को बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है। और बहुत सारे भाइयों ने कमेंट करके कहा कि भाई जल्दी से इसको जेल भेजो। तो देखो भाई हम तो जेल नहीं भेज सकते, लेकिन हाँ उम्मीद है कि योगी जी बहुत जल्द कड़ी से कड़ी फैसला लेंगे, बहुत जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। बाकी दोस्तों ये जो घटना था ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का था, तो देखते हैं कब तक दोस्तों इन लोगों के बारे में अच्छे से और खुलासा होता है, कब तक बिहार के मुख्यमंत्री जो कि इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हैं। बाकी इन लोगों का चर्चा सोशल मीडिया पर चल रहा है और देखो दोस्तों क्या ही बताऊं, इस तरह का खबर जो कि अंदर से लोगों को झकझोर के रख देता है। आप लोग खुद ही जब इस कहानी को सुने होंगे दोस्तों तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा खराब लगा होगा, यहाँ तक कि मुझे भी बहुत ज़्यादा खराब लगा, और किसी के भी साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट में लिख के बताना जिस तरह से महिलाएँ जो कि नौकरी करने के बाद अपने पतियों के साथ दगाबाजी कर रही है, क्या ये सब करना सही है, और जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं उसे कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, ये भी कमेंट में लिख के बताना। बाकी अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। हमारा काम है प्रत्येक दिन आप लोगों तक खबर पहुंचाना, आपका काम है खबर सुनना। और यदि आपको खबर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ आखिर में यदि मैं अपना फैसला सुनाऊँ दोस्तों, तो ये महिला जो दरोगा बनने के बाद अपने पति के साथ गद्दारी कर दी, ये बिल्कुल गलत की। ऐसे महिलाओं को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाकी ज्योति मौर्या को भी जेल भेजा जाना चाहिए, मनीष दुबे को भी जेल भेजा जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हो आप लोग भी कमेंट में लिख के बताना। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहो, जुड़े रहो, और इसी तरह से जो भी खबर निकल कर सामने आएगा, जो भी सच होगा, वो सच आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करेंगे। मुझे डर नहीं है किसी का, बस इतना जानता हूँ कि सच बोलना है और सच आप लोगों को सुनाना है, और केवल सच का ही साथ देता हूँ। जो गलत करता है उसके साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ, जो गलत करता है उसका मैं विरोध करता हूँ, खुल के विरोध करता हूँ, ये भी आप लोगों को पता लग ही जाता होगा वीडियो के जरिए। बाकी ज़्यादा कुछ क्या ही बोलूँगा, अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना। इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों को बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ जो भी हमसे बड़े बुजुर्ग हैं आप सबों को मेरा दिल से प्रणाम। इसी तरह से आप लोग हमारा साथ देते रहिए, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, और भी नया नया खबर लाएंगे आपके लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, राम राम सभी भाइयों को, मिलता हूँ अगले नए वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।